बंदूक फेंका था, बंदूक फेंका था, फोन कर गाड़ी अरे गाड़ी लाओ ना भाई, गाड़ी लाओ पिस्टल और कहाँ से पूछिए, ये हत्यारा है। कपड़ा उपड़ा से पैसा लगे ना की संख्या में शरारती तत्व कांग्रेस कार्यालय के सामने आए। हम लोग कांग्रेस कार्यालय के आगे बैठे हुए थे, कांग्रेस कार्यालय के सामने लगे फल दुकान से फल उठाया, बगजा किया। मैंने प्रशासन को कॉल किया, उसके बाद फोन कटने के बाद ही वो कमर से पिस्टल दिखाता है कि तुम्हारा हत्या कर देंगे। जब लोग यहाँ जुट गए उसको दौड़ाए तो एक पिस्टल फेंक कर और दो पिस्टल और कमर में लेकर यहाँ से फरार हो गए। एक पिस्टल लोडेड जब्त किया है प्रशासन और बाकी लोग फरार हो गए। एक लोग को अभी पकड़ा गया है। कितना बड़ा साजिश है कि 10-10 के संख्या में तीन तीन हथियार के साथ हत्या करने कांग्रेस कार्यालय आता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस कार्यालय पर चढ़ के हत्या करने के साजिश से तीन तीन पिस्टल के साथ अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है कि इस तरह से अपराधी मेरे कार्यालय पे चढ़ के मेरा हत्या करना चाहती है। कौन लोग? मैं प्रशासन के, ये सामाजिक तत्व है, एक सोनू शंकर है और उनके 10 मित्र है। ये जी ने फोन किया, कुछ लड़के फल के दुकान से लड़ रहे हैं और एक आम से फेंक करके भागा है। उस पर हमने थाना प्रभारी को भेजा, थाना प्रभारी को बताया और इस प्रकार से पिस्टल फेंकने वाला लड़का है उसको गिरफ्तार करके ले गए। क्या नाम उनका है? सूरत बतलाया जा रहा है, अभी सत्यापन करते हैं। सर क्या पिस्टल उस्टल कुछ बरामद हुआ है? सर हाँ, पिस्टल बरामद हुआ है, अभी हम जस्ट पहुँचे हैं सत्यापन करने। कुछ गोली चला फायरिंग या बहुत कैसे फायरिंग करने फायरिंग करने